Morning students, today I am going to the revision starts of the chapter 3 because chapter 3 is the very important for you, for not only for the coming exams, for the future exams. तो बच्चे आज हम लोग चैप्टर 3 का हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन करते हैं. और रिवीजन करने के पीछे मकसद है ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चैप्टर से रिलेटेड कई बार एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है. और हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग क्लास 8 में हैं, कल 9 में, परसों 10 में जाएंगे, तो सिर्फ इस क्लास में के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं पढ़ाई करना है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. भारत में अंग्रेजों का कदम पहुँच चुका था. यहाँ के विधि व्यवस्था, काम कैसे होता है, सब चीज़ों को अंग्रेज़ों ने देख लिया. अब भारत में आने के बाद अंग्रेज़ों ने अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को फैलाना शुरू किया. और ये जो फैलाने का कोशिश किया, इसमें दो तरह से किया. उसमें से पहला है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसको मार्जिसन ऑफ इंडिया या हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से आते हैं. हिंदी में हम लोग इसको बोल चाल की भाषा में सुन रहे हैं, हड़प की नीति. और दूसरा है हमारा सबसेडरी अलायंस. तो मैं सबसे पहले बारी बारिश में बताता हूँ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये हमारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था और इसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि जिस राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, उस राजा का मरने के बाद उस राज्य का पे उसका उत्तराधिकार नहीं रह जाएगा. लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा कि जिस राजा का अपना कोई संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उस राज्य के राजा के मरने के बाद वहाँ पे राजा का शासन नहीं रहेगा, अब वो अंग्रेजों के राज्य में चला जाएगा. भारत के बहुत से ऐसे राज्य थे उस समय, बहुत से ऐसे राजा थे जिसका कोई अपना संतान नहीं था, जिसमें कि हमारा सतारा हो गया, जिसमें कि झांसी हमारा हो गया. ये सभी ऐसे बहुत से ऐसे राज्य थे जहाँ पे कोई वारिस नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और मरने के बाद अंग्रेजों का अपने आप उसके राज्य में चला गया. दूसरा हमारा सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम लोग सहायक की संधि ने, अंग्रेज ने कहा था कि आपको राजा रहना है, लेकिन आप राजा बने रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने मर्जी से नहीं करना है, वहाँ पे मेरे अनुसार से आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना होगा. तो इस दो फॉर्मूला के तहत अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन जमाना शुरू किया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इन्वेंट किया गया था, बनाया गया था. और सब्सिडरी अलायंस जो था वो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा बनाया गया था. ये दोनों फॉर्मूला के तहत अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया और बिना लड़ाई लड़े. जैसे कोई भी राजा अपने राज्य को एक्सपेंशन करता है तो उसको लड़ाई लड़ना पड़ता है, लेकिन ये दो फॉर्मूला के तहत अंग्रेज ने भारत में बिना लड़ाई लड़े पूरे भारत के शासन में अपना कर लिया. उसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. भारत में जो कौन कौन गवर्नर जनरल आया, तो उसमें से बच्चे हम लोग पीडीएफ फाइल जब भेजेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा लिस्ट मिलेगा. यहाँ पे हमारा तीन मेक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका ड्यूरेशन हमारा 1829 से 1835 तक रहा. और लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, चाहे लॉर्ड हार्डिंग हो, चाहे लॉर्ड डलहौजी हो, ये तीनों ही भारत के लिए हम कह सकते हैं एक तरह से वरदान साबित हुआ. कैसे, वो हम इस तरह से देखें. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि हमारे समाज में जो सामाजिक बुराई था, उन सभी सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया. जैसे सती सिस्टम, जैसे चाइल्ड मैरिज, इसके अलावा और भी सोशल इविल था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस चीज़ को दूर करने का कोशिश किया. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ. उसके बाद बच्चे लॉर्ड हार्डिंग, ये हमारे बहुत अच्छे गवर्नर जनरल था, पटना से काफ़ी ज़्यादा लगाव था. आज हमारे पटना में हार्डिंग पार्क है, नाम सुने होंगे, हमारा रेलवे स्टेशन के बगल में है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के नाम पे हमारा हार्डिंग पार्क रहा. और ये पटना में गवर्नर जनरल रहा और अपने ड्यूरेशन काल में, शासन काल में, इन्होंने भी शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, खास करके गर्ल्स चाइल्ड में या फिर ओल्ड एज चाइल्ड में. इन्होंने रात में नाइट स्कूल वगैरह ओपन वगैरह ये सब करवाया था. उसके बाद हमारा आता है लॉर्ड डलहौजी, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा, मतलब इसको कह सकते हैं कि हमारे लिए एक गॉड गिफ्टेड के समान हुआ.
लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन का नेटवर्क बिछाया। आज अगर भारत में रेलवे का नेटवर्क है, आज अगर रेलवे का हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग सफ़र करते हैं या उससे बेनिफिट अगर लेते हैं, तो इसका क्रेडिट हमारा लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जिसका ड्यूरेशन हमारा 1848 से 1856 तक रहा। तो ये तीनों गवर्नर जनरल हो, चाहे लॉर्ड विलियम बैंकिंग हो, लॉर्ड हार्डिंग हो, लॉर्ड डलहौजी हो, तो इसको लॉर्ड डलहौजी को रेलवे फादर ऑफ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली काम किया और सभी गवर्नर जनरल के तुलना में। उसके बाद का हमारा टॉपिक है द रिलेशन विद द इंग्लिश विद द मैसूर। बच्चे मैसूर जो है ये आज के डेट में एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और यहाँ पे जब पूरे भारत में अंग्रेजों ने शासन यहाँ पे कर लिया, तो अब अंग्रेजों का अगला टारगेट जो था वो हमारे साउथ इंडिया में था, और साउथ इंडिया में सबसे पहले हमारा मैसूर स्टार्ट होता है, जो कि हमारा कोस्टल टाउन था। और अंग्रेज उस जमाने में खास करके जो भी कोस्टल टाउन का, बच्चे कोस्टल टाउन का मतलब कि समुद्र के किनारे जो हमारा शहर बसा हुआ था, जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ, जैसे हमारा मुंबई हो गया, जैसे हमारा चेन्नई हो गया, जैसे हमारा कोलकाता हो गया, जैसे हमारा गोवा हो गया, ठीक उसी तरह हमारा मैसूर भी था। और अंग्रेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि ये शहर को जीत करके हम अपने राज्य में मर्ज करें, क्योंकि मैसूर एक तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा था, कोस्टल इलाका था, ट्रांसपोर्टेशन के व्यू से, टूरिस्ट के व्यू से इस शहर को वो लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पे रास्ते में पूरा आ रहा था हैदर अली, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा शासक था, और अंग्रेज सबसे पहले इनके साथ मित्रता का रिलेशन भेजा। जब हैदर अली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो अब इनके साथ जो है चार लड़ाई हुआ था। पहला लड़ाई हमारा 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1789 से 1792, और फोर्थ लड़ाई जो हुआ वो 1799 हुआ। तो बच्चे ये जो लड़ाई हुआ था, इसमें काफ़ी दिनों तक चला था, और बिना किसी का रिजल्ट का ये लड़ाई समाप्त हो गया। सेकंड लड़ाई जो चला था 1780 से 1784, ये लगभग 4 सालों से चला, और इस लड़ाई में हैदर अली लड़ते हुए मारा गया था। तो बच्चे इस तरह से ये मैसूर के बीच में और भी बहुत सारे शासक थे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज इसका पीडीएफ जाएगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।